भारतीय राजनीति में कुछ यक्ष प्रश्नों का जवाब सिर्फ चुनावों के दौरान मिलता है। किस नेता के पास कितनी दौलत या संपत्ति है, किस पर कितने केसेस चल रहे हैं आदि, ये सब पता चलता है जब उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म जमा करते हैं। मसलन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ये बात फैली कि उनके पास लगभग 3 करोड़ की संपत्ति है। अभी तो भारत में नेताओं के बारे में जानकारी पता करना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन नेता खुद ही अपने बारे में पब्लिक में खुलासा कर दे, ऐसा संभव हुआ है नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे नॉमिनेशन फॉर्म की पूरी कहानी, नॉमिनेशन फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, नॉमिनेशन फॉर्म में संपत्ति और क्रिमिनल केसेस के बारे में जानकारी देना कब से शुरू हुआ, नामांकन फॉर्म भरते हुए अगर कैंडिडेट कोई गलत जानकारी दे देता है तो इस बात का कैसे पता चलता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशु सुमराव है, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। इलेक्शन कमीशन चुनाव का सारा प्रोसेस मुख्य तौर पर संसद से पास हुए 2 कानूनों के हिसाब से करती है। कौन से हैं ये कानून? एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। क्या क्या लिखा है इन कानूनों में? कई चीजें हैं, जैसे चुनाव की घोषणा और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सभी मुद्दे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इन्हीं कानूनों में कैंडिडेट से जुड़ी सभी बातें भी लिखी हैं, जैसे कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन की प्रक्रिया, कैंडिडेट्स की लिस्ट की घोषणा, वोटों की काउंटिंग आदि। सबसे पहले जानते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं। नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जी आपके नेता अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं, अपने अपने जीवन साथी और उन पर जो लोग निर्भर करते हैं उनके प्रोफेशन और आमदनी के जरिए, कैंडिडेट देश की किस विधानसभा का वोटर है और वो विधानसभा किस लोकसभा क्षेत्र में आती है, कैंडिडेट किसी ऐसे क्रिमिनल केस में आरोपी तो नहीं है जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, कैंडिडेट किसी ऐसे क्राइम में सजायाफ्ता तो नहीं जिसमें 1 साल से ऊपर की सज़ा होती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को नामांकन फॉर्म में अपनी संपत्ति की जानकारी भी देनी होती है, कैंडिडेट को अपने और अपने जीवन साथी की चल अचल संपत्ति की डिटेल में जानकारी देनी होती है। जैसे अगर चल संपत्ति की बात करें तो उन्हें बताना होता है कि उनके पास कितना कैश है, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितने रुपए के गहने हैं, उन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, माने कितने के शेयर्स खरीद रखे हैं, कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल रखा है, कितने रुपये वाला बीमा ले रखा है, कौन कौन सी गाड़ियाँ उनके पास हैं, अगर चार्टर प्लेन है तो उसकी जानकारी भी देनी ज़रूरी है। इसके अलावा अपने कर्ज की डिटेल जानकारी भी देनी होती है, मसलन होम लोन कितना है, कार लोन कितना है आदि। अब जानते हैं अचल संपत्ति में क्या जानकारी देनी होती है। कैंडिडेट को खुद के और अपने जीवन साथी के नाम पर लिखी जमीन, घर, बिल्डिंग आदि की डिटेल्स भी देनी होती हैं। कैंडिडेट को ये बताना होता है कि ज़मीन कितने में खरीदी थी, अभी मार्केट में उसका कितना दाम है, उस प्रॉपर्टी का एरिया कितना है। वर्तमान में नॉमिनेशन फॉर्म में ये सब चीज़ें भरनी होती हैं, हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स केस में कुछ ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने अपने नॉमिनेशन प्रोसेस में ये बदलाव किए ताकि चुनाव की प्रक्रिया में और पारदर्शिता आए। इस केस में ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मुख्य याचिकाकर्ता था। ADR की स्थापना साल 1999 में प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री ने की थी। ये संस्था देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए काम करती है। इस केस को समझने के लिए हमने ADR के फाउंडर से ही बात की। सबसे पहले जानिए आखिर ADR की याचिका का उद्देश्य क्या था। नहीं, ADR का यही सोच था कि हमारे देश में अगर राजनीति, चुनाव, डेमोक्रेसी इत्यादि में हमें कुछ सुधार लाना है तो सबसे पहले जनता जनार्दन और वोटर्स को कैंडिडेट्स के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। खास तौर से 5 चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हमारे पक्ष में दिया था। तो सबसे पहले ये कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं, दूसरा किसी क्रिमिनल केस में वो कन्विक्ट हुए हैं कि नहीं, उनको सजा मिली है कि नहीं, तीसरा उनके संपत्ति के बारे में, और चौथा उनके जो कर्जे हैं उनके बारे में, और 5वां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपने शिक्षा, मतलब आप 10वीं पास हैं, 10वीं फेल हैं, PhD हैं, क्या है वो भी आपको देना होगा। तो ये 5 आइटम्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे याचिका के ऊपर कि हर एक उम्मीदवार को देश भर में देना होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
देखिए, जैसे हमने कहा था कि हमको बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता कोर्ट कचहरी और क्रिमिनल केसों में फंसे हुए हैं, तो हम ये चाहते थे कि हमारे देश में ईमानदार और काबिल नेता मिले। और ईमानदार और नेता कौन चुनेगा? जनता जनार्दन चुनेगी, वोटर चुनेंगे। और वोटर को जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई कौन कितने पानी में है, किसी के खिलाफ कोई मर्डर का केस तो नहीं है इत्यादि। तो ये जानकारी जब जनता को पूरे तौर से ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के थ्रू मालूम होगा कि भाई फलाना जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ दफा 302 खून का इल्जाम इत्यादि ऐसे कुछ केस हैं, तो जनता चौंक जाएगी और इनको वोट नहीं देगी। तो इस सोच से हमने ये याचिका डाली थी। तो पहले हाई कोर्ट में हम जीते थे, दिल्ली के हाई कोर्ट में। फिर तब के सरकार, एनडीए सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उन्होंने इसके खिलाफ, इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो सरकार हारी और एडीआर जीत गई थी। उसके बाद सरकार ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपी एक्ट, उसमें कुछ बदलाव डाले, अमेंडमेंट डाले, उसको भी हमने चुनौती दी और उसको भी गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसमें जो वोटर है उनको दो तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सब एक वोटर का एक ये संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो वोट डाले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट डालने के लिए आपको उचित जानकारी की जरूरत है, वो आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो हम बोलते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके तहत उन्होंने कहा कि आपको, मतदाता को, ये एक मूल अधिकार हम देते हैं कि मत डालने के पहले आपको उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी एक शपथ पत्र के तौर पे हर एक उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र भर्ती करते वक्त देगा। अब इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि ठीक है भाई, हम इसको वेबसाइट में डाल देते हैं। अब जनता जनार्दन और वोटर जो है वेबसाइट में जाके देखते नहीं है, तो हम लोग वो एडीआर की तरफ से क्या करते हैं कि उसका पूरा डाउनलोड करके उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और आप सब लोगों को, लालन टॉप और इत्यादि सभी मीडिया लोगों को हम प्रेस रिपोर्ट और वो एनालिसिस भेजते हैं, जो कुछ हद तक प्रकाशित होता है और आजकल सोशल मीडिया में भी होता है। तो ये इस तरीके से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप इसको देख के वोट करिए। मगर हम 20 साल से देख रहे हैं कि जनता उतना वहां तक नहीं जाती है। कुछ लोगों को मालूम होता है, ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। एडिया केस के बाद केंद्र सरकार को कानून में कुछ बदलाव करने पड़े। केंद्र सरकार ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन किया, तीन नए सेक्शंस जोड़े। सेक्शन 33A, जिसके तहत क्रिमिनल केसेस की जानकारी देना अनिवार्य किया गया। सेक्शन 125A, जिसके तहत जानकारी ना देने या गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान किया। अगर कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देता है या फिर जानकारी छपाता है तो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए नामांकन फॉर्म भरते हुए कैंडिडेट गलत जानकारी भर देता है, ऐसे केस में ये पता कैसे चलेगा कि जानकारी गलत है? इस जानकारी को चेक कौन करता है? दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 100 कहता है कि अगर कैंडिडेट चुनाव जीत गया और बाद में उसके नामांकन फॉर्म में कमियां पाई गई तो कोर्ट उसका चुनाव रद्द कर सकता है। इसके लिए हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाती है, जिसके बाद हाईकोर्ट उस पर निर्णय करता है। 2002 में सरकार ने जो संशोधन किया उसे चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई। हालांकि केंद्र ने संशोधन लाते हुए सुप्रीम कोर्ट की सभी बातें नहीं मानी। मसलन नए संशोधन के तहत एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 33B। ये कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखी बातों के अलावा किसी और जानकारी को नॉमिनेशन में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इस कानून में संपत्ति और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की आधी बात मानी गई। सिर्फ क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स देना अनिवार्य किया गया, लेकिन संपत्ति और एजुकेशनल डिटेल्स को डिक्लेयर करने से रोक दिया गया। इसके बाद फिर से एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देना अनिवार्य है,
जिसके बाद इसे भी नॉमिनेशन प्रोसेस में जोड़ दिया गया। नामांकन के मामले में साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला दिया। इसके मुताबिक कैंडिडेट्स को अपने जीवन साथी और अपने डिपेंडेंट्स, माने वो लोग जो कैंडिडेट के ऊपर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हैं, उनकी आमदनी का जरिया भी बताना होगा। इसके लिए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए कि वो नॉमिनेशन फॉर्म में इसके हिसाब से बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की वजह से कैंडिडेट्स के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। एक उदाहरण से समझिए। अरुणाचल प्रदेश में साल 2019 में चुनाव हुआ। कारी खोपड़ी नाम के एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने चुनाव जीता, लेकिन उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी कुछ चल संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी। 2023 में हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। वजह थी कि उन्होंने कुछ साल पहले 3 गाड़ियां बेची थी, पर वो चुनाव के समय तक दूसरे खरीदार के नाम पर रजिस्टर नहीं हुई थी। माने चुनाव के समय तक वो गाड़ियां उनके ही नाम पर थी। उन्होंने इसका जिक्र अपने नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा और ये भी कहा कि हर चल संपत्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इस मामले में हर केस को बारीकी से समझना जरूरी है कि क्या जिस चीज को छिपाया गया है उससे कैंडिडेट की लाविश लाइफस्टाइल के बारे में कोई बात छिप रही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने लगातार चुनावी प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाया है। डेमोक्रेसी में चुनाव की प्रोसेस जितनी ट्रांसपेरेंट हो उतना अच्छा है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लंदन टॉपर। बहुत शुक्रिया।